द्रव्य का मुख्य आधार जो है वो गुण पर है। गुण के आधार पर ही द्रव्य बना हुआ। द्रव्य है तो गुण निश्चित रूप से है, और गुण है तो द्रव्य भी निश्चित रूप से है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कोई द्रव्य अपने आप में या तो अमूर्त है, या द्रव्य जो है अदृश्य है, या द्रव्य अरूपी है। अब इन कारणों से द्रव्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन द्रव्य का अस्तित्व इनके कारण नष्ट नहीं हो रहा है। द्रव्य का अस्तित्व बराबर बना हुआ है। अब द्रव्य का अस्तित्व है, फिर भी अगर अरूपी, अमूर्त और अदृश्य है तो उसको सिद्ध कैसे करना, साधना कैसे, ये प्रश्न जरूर यहाँ पर खड़ा होता है। अब ऐसी स्थिति में हम द्रव्य को सिद्ध करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये द्रव्य कौन कौन से ऐसे द्रव्य है, तो उन द्रव्यों के अंदर आत्मा जो है यह मुख्य रूप से अमूर्त भी है, अदृश्य भी है, अरूपी भी है। अब बाकी के सभी धर्म इसके साथ जुड़े हुए हैं। अवर्णी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है, निरंजन निराकार है, ये सब हमने इसके साथ जुड़े हैं। ये क्यों जुड़े हैं? निषेधवाची शब्द है, और ये जोड़े हैं, ये हमने क्यों जोड़े हैं? जब निषेधवाची शब्द जोड़े हुए हैं, ये सबके साथ जो जुड़े हैं, ये कौन सा है? अरूपी है, अवर्णी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है, निरंजन निराकार है। अब ये सब क्या है? दूसरे का गुण इसमें नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए और लगाकर निषेधवाची शब्द जोड़ा गया है। अब दूसरे में कौन है? इधर रूपी, रंगी, वर्णी, गंदी, रसी, स्पर्शी, ये जो है ऐसे दूसरे द्रव्य हैं। तो वैसे दूसरे द्रव्य जैसा यह नहीं है, दूसरे द्रव्यों के जैसा ये नहीं है, अन्य द्रव्य के जैसा ये नहीं है, तो ये अपने आप में कैसा है, ये विशेषता है। तो ये दूसरों के गुण लिए हमने, अब दूसरों के गुण से इसको उठा देंगे, ये तो नियम है ही नहीं, गलत है। क्यों नहीं है? किसी द्रव्य के गुण एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में कभी जाते ही नहीं है, इसलिए किसी द्रव्य को दूसरे गुण वाला कहा नहीं जा सकता है। इसलिए किसी भी द्रव्य को दूसरे गुण द्रव्य के गुणों का अभाव वाला कहा जा सकता है। जी तीन वाक्य गिनती करके बोलना। नीचे एक मैसेज आ गया, वहां पे ध्यान चला गया था, दो वाक्य नहीं बोलते। फिर से बोलता हूँ, दूसरे और किसी की पकड़ में आया है, नीति मैन बोलिए। जी महाराज जी, आई गॉट, महाराज जी आई गॉट टू सेंटेंसेस। एक द्रव्य के गुण किसी दूसरे द्रव्य में जाते ही नहीं है, और दूसरे गुणों, एक द्रव्य को दूसरे गुणों के अभाव वाला कहा जाता है। अब तीसरा वाक्य भी चाहिए साथ में, क्या रहे थे? स्वद्रव्य स्वयं जो है द्रव्य अपने ही गुण वाला है, दूसरों के गुण इसमें आएंगे नहीं,
दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य क्या है, दूसरों के गुणों का अभाव वाला ये द्रव्य है ऐसा हमको समझना चाहिए था। इसलिए अ क्या शब्द लगाए, अ दूसरों के गुणों का अभाववाची शब्द लगाकर अब इस आत्म द्रव्य को अरूपी अवर्णी अगंधी अरसी अस्पर्शी कहा गया है। अरे ये बात समझ में, दूसरे गुणों द्रव्य के गुण, अब दूसरा द्रव्य कौन है, पुद्गल, पुद्गल द्रव्य के अंदर गुण है वर्ण गंध रस स्पर्श वाला, यह आत्मा नहीं है, आत्मा रूप रंग वाला नहीं है, आत्मा रस गंध वाला नहीं है, आत्मा ऐसा आकार प्रकार वाला नहीं है। इसलिए हमने ये निषेधवाची अभावात्मक अभाव सूचक निषेधवाची अक्षर जोड़ा है और ऐसा अक्षर जोड़ करके हमने बात बैठाई। अब आ रहे हैं आपको ख्याल में आ गया समझे करें, तो ये हम समझ गए ये द्रव्य कैसा है। अब क्योंकि संसार एक ही द्रव्य का बना हुआ तो जगत नहीं है, लोग तो जो है पांचों द्रव्यों का सम्मिलित सम्मिश्रित स्वरूप है, इसलिए एक द्रव्य वाला तो है नहीं, तो दूसरे द्रव्य का अभाव भी एक द्रव्य में होना और स्वद्रव्य के गुणों का भी होना उस द्रव्य में अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक हमने लिखा आत्मद्रव्य, अब आत्मा किस प्रकार की कैसी है, तो क्यों गुण से साधने की आवश्यकता क्यों जरूरी हो गई, अनिवार्यता क्यों हो गई, क्योंकि आत्मा अरूपी अवर्णी अगंधी है, यह दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं देती है तो हम इसको साधेंगे सिद्ध कैसे करेंगे, जब नहीं दिखाई देती है तो सिद्ध कैसे करेंगे। और सबका आग्रह किसका रहता है, मिथ्या दृष्टि जीवों का आग्रह, आत्मा दिखाई दे तो ही मानना, ऐसी उनकी मानसिकता बनी हुई है। बस बात ये है, दिखाई दे तो ही मानना, दिखाई दे तो ही मानना, और जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ये कदाग्रह भी छूट जाएगा। हमको हमारा सम्यक दृष्टि का लक्ष्य दिखाई दे तो ही मानना, ऐसा उसका उद्देश्य नहीं रहता। अब ये बात बरोबर बैठ गई, तो बैठ गई तो बरोबर आप स्वीकार कर लोगे समझे कि नहीं। तो हमको तो मुख्य लक्ष्य इस पर है, दिखाई देना महत्व का नहीं है, पदार्थ का होना वो अपने आप के अस्तित्व के लिए है, हमारा लक्ष्य ऐसे भी पदार्थ को मानना अनिवार्य। बात ये है पूरी हो गई समझाया के लिए, तो यहाँ हमको ये ख्याल आ जाना चाहिए हम किन पदार्थ किस पदार्थ को कैसे माने, तो मानने के लिए क्या चाहिए था, ये लक्ष्य आना चाहिए समझे कि नहीं। अब किस द्रव्य से कैसा आपको स्वरूप लगना चाहिए, तो यहाँ पर जो है मुख्य हेतु ये है कि द्रव्य को हम सिद्ध करें, आत्मा को सिद्ध करने का क्रम हमारा गत 3-4 महीने से चल रहा है। इसमें अलग अलग तर्क युक्ति बुद्धि प्रमाणों से हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। अब ऐसे स्थिति के अंदर कैसे आप सिद्ध करोगे, ऐसी स्थिति में सिद्ध कैसे कर पाएंगे, ये मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर लक्ष्य क्या आया आपका कि इस तरह से आत्मा को सिद्ध कर। अब आत्मा के अंदर स्वद्रव्य का स्वरूप और दूसरे द्रव्यों का अभाव इधर देखिए। अब ये जो है, अब ये हमने यहाँ पर आत्मा द्रव्य लिया, बोले अब ध्यान से समझकर बोलना है किस किस का अभाव आत्मा में है और किस किस का सद्भाव आत्मा में है। अरे ये बात समझ में, नील कुमार जी बोली जी साहिब जी, आत्मा के स्व के गुण का उसके अंदर स्व सद्भाव है और बाकी के जो पर द्रव्य है उसके गुणों का उसके अंदर अभाव है। सब नाम लेकर सबका बोलना पड़ेगा। तो साहिब जी, आत्मा के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र
और वीर्य का सद्भाव है। आत्मा के अंदर रूप रस गंध स्पर्श का अभाव है, वो पुद्गल के हिसाब से लिया। आप पहले एक तरफ से लो, दोनों तरफ से दो बात हमने फिक्स कर दी है। एक तरफ से हमारा इस विषय पर आया है, दूसरा इस विषय पर गया। तो आप पहले यहाँ पर जो है सब इसको द्रव्य के रूप में है, अब ये द्रव्य हमको सिद्ध करना है। तो ये द्रव्य के रूप में आत्मा है, ये हमने द्रव्य स्वरूप सिद्ध कर लिया है। अब ध्यास करना है द्रव्य स्वरूप सिद्ध होते हुए भी कैसा द्रव्य है, तीन गुणों वाला द्रव्य है, कैसे गुणों वाला द्रव्य है, सद्भावात्मक स्वरूप कैसा है, अभावात्मक स्वरूप किसका कैसा है। अरे बात दोनों दोनों बात ध्यान में रखिए। तो द्रव्य स्वरूप हमने कैसे सिद्ध किया है, दौड़िया जी बोलिए। हाँ महाराज, अपने इसमें द्रव्य स्वरूप यह कहे है कि अखंड प्रदेश समवातक पिंड, बरोबर है। आपने अखंड प्रदेश समवातक पिंड रूप से द्रव्य पना सिद्ध किया। अब आपने इसको त्रिकाल नित्य शाश्वत आदि किस कारण से कैसे सिद्ध किया है, महेंद्र भाई बोलेंगे। महेंद्र भाई बोलिए। आत्माना गुण से, आत्माना गुण से के आत्मानी अंदर ज्ञान दर्शन चरित्र वेदन संवेदन। राहुल भाई, अखंड प्रदेश समूह आत्मक पिंड स्वरूप अस्तित्व आदिकाल से अनंत काल तक अस्तित्व से सिद्ध किया है। आत्मा को सिद्ध करने के लिए द्रव्य स्वरूप सिद्ध करना है, फिर द्रव्य स्वरूप से अस्तित्व सिद्ध करना है, फिर उसको जो है सद्भावात्मक रूप में सिद्ध करना है, फिर अभावात्मक रूप में सिद्ध करना है। इन सबको गिनती करके बरोबर बैठा करके करेंगे तो होगा। प्रवीण भाई बोलो। प्रवीण भाई मारे आखो साउंड बराबर आवतु नथी एटले संभळातु नथी व्यवस्थित। पक्षाळी जी 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 बराबर संभळातु। हाँ हाँ जी प्रवीण भाई, उमेश भाई आपको बोलना है। सबको सुनाई दे रहा है, सबको आवाज आ रही है। जी जी साहब जी, आप सबको सुनाई दे रहा है कि खाली प्रवीण भाई क्या तकलीफ है। नील कुमार जी, हाँ साहब जी आवाज आ रही है, थोड़ा थोड़ा बीच में क्रैक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का क्रैक हो रहा है बीच में। ठीक है सर जी, आप बोलिए। तो हमने जो तरीके देखे हैं कौन कौन से प्रकार है, कितने प्रकार है, द्रव्य का होना, द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य का अस्तित्व, फिर द्रव्य का काल की दृष्टि से अस्तित्व, आखिर ले जाकर काल भी तो एक जो है टेस्टिमोनी है। काल को जब कसौटी कहेंगे, अब काल के अंदर ले जाकर के वापिस उसको सिद्ध करना पड़ेगा, फिर स्वभाव स्वरूप से सिद्ध करना पड़ेगा, फिर दूसरों के अभाव स्वरूप में सिद्ध करना पड़ेगा। अब इन चारों बातों को हम लक्ष्य में रख करके करेंगे तो बरोबर बात बैठेगी। बोलिए नरेंद्र जी, बात बैठेगी, समझ में आ रही। हाँ साहिब जी, अस्तित्व से द्रव्य सिद्ध बना होता है, अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड से भी सिद्ध होता है,
और आदि अनंत है, इसलिए काल से भी सिद्ध होता है और गुणों से भी आत्मा सिद्ध होती है। साहिब जी का वीडियो शायद फ्रीज हो गया। फिर उसको स्वभाव में और कर्म में अगर ये आप तीनों बातों को चारों बातों को लक्ष्य में लेकर के चल रहे हो तो बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। नंबर एक यहाँ पर क्या है, हम पहले यहाँ पर नंबर एक में अगर आपको आत्मा को द्रव्य स्वरूप में द्रव्य रूप से सिद्ध करना है तो अखंड संख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में सिद्ध करना है। अगर काल से आपको सिद्ध करना है तो अनादि अनंत सिद्ध करना है, अनुत्पन्न अविनाशी सिद्ध करना है, अस्तित्व सिद्ध करने से आपको ख्याल आ जाएगा। काय से प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप और काल से अस्थि बने को दोनों मिला दिया है तो आत्मा का स्वरूप बराबर इन दोनों ने कर दिया। स्वभाव से सिद्ध करने में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों से सिद्ध करना है, वेदन संवेदन आदि स्वरूप स्वभाव से सिद्ध करेंगे। अभावात्मक में अगंधी अरूपी अवर्णी अग्रंथी अरसी अस्पर्शी निरंजन निराकार अदृश्य और अमूर्त, तो ये किससे साथ लिए हमने, ये जो है अन्य द्रव्यों से अभाव। अब अन्य द्रव्य कौन कौन है, आत्मा से इतर आत्मेतर, आत्मा से इतर भिन्न द्रव्य कौन से है। नंबर एक जो है आकाश है, नंबर दो धर्मास्ती का है, नंबर तीन अधर्मास्ती का है, नंबर चार कुंडल है। अब इन चारों के जो गुण है, अब ये इन चारों के गुण, अब इन चारों के गुणों का अभाव जो है वो आत्मा में आना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, इन चारों द्रव्यों के गुणों का अभाव नहीं आएगा तो आत्मा आकाश सिद्ध हो जाएगा। आत्मा को लोग कोई आकाश कह देंगे, आत्मा को कोई धर्मास्ती कह देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आत्मा अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है, तो स्वतंत्र द्रव्य है तो फिर कैसे आप सिद्ध करेंगे, अरे ख्याल में आपको, तो स्वतंत्र द्रव्य होने से जब उसको सिद्ध करना है तो किस रूप में, तो कौन नियमभूत है, गुणाह भेद कहा, गुण ही भेदक है, गुण जो है वो जा करके पांचों द्रव्यों को स्वतंत्र एक एक अलग अलग रूप में सिद्ध कर रहे हैं। तो गुण जो है सभी द्रव्यों के भेदक होंगे। भेदक होने का मतलब क्या हुआ, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को भिन्न सिद्ध करने वाले गुण होते हैं। नहीं भाई बोलिए। सहित जी मैं रिप्लाई कर रहा था। हाँ चलिए ठीक है बोलिए साहब। मेहता जी बोलिए। आपने अभी बताया कि गुण ही भेदक होते हैं, गुण ही एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करते हैं, भिन्न सिद्ध करते हैं, क्या कहते हैं, सभी पांचों द्रव्य भिन्न भिन्न है, पांचों द्रव्य अलग अलग है, सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो इन पांचों के स्वतंत्र अस्तित्व को सिद्ध करने का मुख्य लक्ष्य किसका है, गुणों का है। तो जो गुण जिस द्रव्य को सिद्ध करेंगे उसी समय वही द्रव्य पर द्रव्य के गुणों का अभाव वाला भी सिद्ध हो जाएगा। तो आत्मा से पर द्रव्य है आकाश धर्मास्तिका है धर्मास्तिका और कुंडल, आत्मा आकाश नहीं है, आत्मा धर्मास्तिका नहीं है, आत्मा अधर्मास्तिका नहीं है, आत्मा कुंडल नहीं है, बस ये बात हो गई।
तो क्यों नहीं है, वो उनके गुण है। मुद्गल के गुण कौन से हैं, धर्मास्ती काय के गुण कौन से, अधर्मास्ती काय के गुण कौन से, आकाश के गुण, इन सब के गुणों का आधार है। अभी हमने किसके अ करके जो निषेध वाक्य लिखे हैं वो पुद्गल के भी परे गुण है, इसलिए पुद्गल के गुणों से विरुद्ध द्रव्य वाला द्रव्य लिखा है। अभी आकाश का भी लिखिए, अभी धर्मास्ती काय के गुण का अभाव लिखिए, अधर्मास्ती काय के गुणों का अभाव वाला लिखिए, ऐसे करके आप सबके गुणों का अभाव लिखिए, तो गुणों पर का अभाव ज्यादा हो जाएगा। तो इन सब से ज्यादा होने से फायदा क्या हुआ, आत्मा का अपना स्वरूप किसका है, सद्भावात्मक, वो सिद्ध हो रहा है, और पर का अभावात्मक, तो वो पर से भिन्न है, इसलिए आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। कह रहा है आपको, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। जो यहाँ पर इंद्र बुद्धि जी के तीसरे भाई है, वायु बुद्धि जी है, उनका जो आग्रह था शरीर ही आत्मा है, वो शरीर को ही जब आत्मा मान करके चल रहे हैं, ये यहाँ पर इसलिए दोनों को अलग अलग करके सिद्ध कर रहे हैं। आपको शरीर ही आत्मा ऐसा मान करके चलेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब शरीर किसका बना हुआ है, पुद्गल का बना हुआ है। शरीर क्यों दिखाई दे रहा है, उसके वर्ण गंधर स्पर्श है। जब उसके वर्ण गंधर स्पर्श है तो इसलिए हमको ये ख्याल आया कि जब ऐसे वर्ण गंधर स्पर्श वाला है तो शरीर वर्ण वाला है, इसलिए दिखाई देगा। अब शरीर जो है रूप रंग वाला है, इसलिए दिखाई दे रहा है। शरीर जो है इस प्रकार का गंध स्पर्श वाला है, इसलिए अनुभव में आ रहा है। अब सबको शरीर ही दिखाई दे रहा है, शरीर ही मानते रहेंगे और फिर आत्मा को भी शरीर मान लेंगे तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व हो जाएगा। तो महावीर ने क्या कर दिया यहाँ पर, शरीर से आत्मा को भिन्न करके आपको दिया है कि पहले शरीर के जो गुण है उनका अभावात्मक मानिए, और यहाँ पर शरीर आत्मा के जो गुण है उसके गुणों का सद्भावात्मक मानिए। हम व्यवहार किसका कर रहे हैं, जब भी शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर की क्रियाएं बंद पड़ रही है और शरीर में रहकर क्रिया करने वाला चेतन आत्मा अपने स्वगुणों की क्रिया कर रहा था, अब वो क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए उस द्रव्य को हम है या नहीं है ये बात हम वहां पर स्पष्ट करके कहते हैं। तो अब तक हम क्या देख रहे हैं, दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। इन दो बातों के अंदर एक बात क्या है, गुण का होना, अब गुण स्वरूप जो है ये देखना है, और नंबर दो जो है गुणानुरूप क्रिया है। इधर देखिए, अब आपको ख्याल आ रहा है, एक तो गुण स्वरूप, अब आत्मा को आप जब गुण स्वरूप को नित्य निश्चित कर रहे हैं तो आत्मा द्रव्य के गुण कौन से हैं, अब इनके गुण कौन कौन से हैं, कैसे कैसे गुण हैं, अब इनके गुण स्वरूप को आप कैसे सिद्ध कर रहे हो। ज्ञान भी आत्मा का गुण है, दर्शन भी आत्मा का गुण है, इधर वेदन संवेदन भी आत्मा का गुण है, अजी ये गुण जो है ये किसी पुद्गल द्रव्य के गुण नहीं है, ये किसी अन्य द्रव्य के गुण नहीं है। अब ज्ञान दर्शन है, चारित्र है, आत्मा की वीर्य शक्ति है उसका, ये सभी जो जो गुण है ये आत्मा के मौलिक और मूलभूत गुण है बस। अब इसके साथ में इसको हम एक नाम दे दें तो ये आपको लग जाएगी। तो यहां से अब क्या किया है, ये तो हो गया गुणात्मक स्वरूप, अब गुणानुसारी क्रिया, अब आपको गुण के अनुरूप गुण की क्रिया
तो वो क्रिया का कर्ता कौन है उससे आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब आया ये तीसरा नाउन मैं ले रहा हूं, बोलिए सर एक एक गुण की क्रिया ये है ज्ञान गुण जानना। ज्ञान गुण की क्रिया का कौन सा स्वरूप है जानना। जानना ये है दर्शन। दर्शन गुण के अंदर ये देखना भी आया है, सुनना भी इसी के अंदर है, चाखना भी इसी के अंदर है और सूंघना भी इसी के अंदर है। अब ये है इसकी क्रियाएं हैं। अब इन क्रिया गुण की क्रिया अरे ख्याल में तो ये दर्शन गुण की क्रिया जो है वो देख लिया आपने। अब इधर आपको क्या देखना है वेदन संवेदन जो देखना है इस क्रिया का नाम चेतना। ये चारित्र इसका नाम है आचरण। अब ये वेदन संवेदन किसका है सुख दुख का। अब ये सारी क्रिया है तो ये दो गुण अंदर है इन गुणों की क्रिया है। अब ध्यान रख के बाकी जितने द्रव्य है और बाकी जितने द्रव्यों के गुण है उन द्रव्यों की क्रिया से कहीं समानांतर या मेल खा रहा है ऐसा कोई लग रहा है आपको। जानना इधर के दूसरे जो भी है आकाश धर्मास्तिका अधर्मास्तिका पुद्गल आदि इसी में जानने की क्रिया दिखाई दे रही है नहीं। इसी में देखना सुनना सूंघना चाखना ये क्रिया कोई दिखाई दे रही है नहीं। अब आकाश आदि के जो गुण है वो जैसे गुण है उन गुणों का भी विचार आपको कर लेना पड़ेगा। तो वो अब कौन से हैं कैसे कैसे हैं उन गुणों का विचार करिए। ये आपने इधर सामान्य रूप से आकाश द्रव्य अब ये एक द्रव्य है। अब इसका गुण कौन सा है अवगाहना। ये आपने देख रहे हैं कि आकाश का जो है अवगाहना गुण है। अब आकाश के अवगाहना गुण की क्रिया कौन सी है तो इसमें की कोई आपको दिखाई दे रही है अवगाहना वाली क्रिया इसमें कोई नहीं तो इसका अभाव। इसका अभाव ये अभाव सूचक चिन्ह मैंने यहाँ पर किया है। इधर आप देखिए धर्मास्तिकाय तो धर्मास्तिकाय की गुण कौन सा है गति सहायता। अब इसके अंदर कोई है क्या ऐसा गुण नहीं। ये तीसरा है और धर्मास्तिकाय इसका गुण क्या है स्थिति सहायता तो इसका भी गुण इसमें नहीं आ रहा है। अब दोनों के गुणों का अभाव इसमें आ रहा है। इधर आया ये चौथा है पुद्गल। अब ये पुद्गल जो है तो इसकी गुण कौन से है तो इसका भी इसमें संपूर्ण अभाव आ रहा है। अब पुद्गल के गुण की क्रिया धर्मास्तिकाय के गुण की क्रिया अधर्मास्तिकाय के गुण की क्रिया आकाश के गुण की क्रिया उनका हम विचार करते हैं पर उनका भी ख्याल आ जाना चाहिए। इधर क्या हुआ गुण स्वरूप गुणानुसारी क्रिया। थोड़ा ध्यान दीजिए आत्म द्रव्य है। अब आत्म द्रव्य है ये हमने द्रव्य रूप में सिद्ध कर लिया एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य ये आत्म। अब ये अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनाशी ऐसा त्रिकाल नित्य शाश्वत अविनाशी द्रव्य है। अब ये बात हो गई किसकी आत्मा द्रव्य की अस्थिकाय गुण की और अस्तित्व आदि कालिक धर्मों से इसकी सिद्धि हो गई। अब हम कर रहे हैं गुणों से सिद्धि। जो द्रव्य अरूपी अमूर्त अदृश्य होकर नहीं दिखाई देता है उसको
उसके गुणों से अस्तित्व सिद्ध करके गुणों की क्रिया से पहचाना जाता है। हवा नहीं दिखाई देती है लेकिन हवा चलती है और उस पर तार पर सूखे हुए कपड़े हिल रहे हैं तो बरोबर पता चलेगा जी हाँ हवा है। न दिखाई देते हुए हवा की क्रिया से हम लक्षण से अगर हवा को सिद्ध कर सकते हैं ठीक उसी तरह यहाँ पर भी न दिखाई देते हुए भी आत्मा के गुणों से अनुरूप गुणानुसारी क्रिया से भी आत्मा को सिद्ध कर सकते हैं। ये बात हो गई तो यहाँ पर गुण गुण स्वरूप है और गुणानुसारी क्रिया है। अब ये जो है स्वयं स्व के गुण है और स्वगुणों की क्रिया है इसलिए पर का कोई संबंध नहीं आ रहा, इसलिए पर का अभाव है। पर में आकाश भी आया, आकाश द्रव्य का अभाव, आकाश के गुण का अभाव, धर्मास्ति काय द्रव्य का अभाव, धर्मास्ति काय के गुणों का अभाव, अधर्मास्ति काय द्रव्य का अभाव, अधर्मास्ति काय के गुणों का अभाव, पुद्गल द्रव्य का अभाव, पुद्गल के गुणों का अभाव, लेकिन अन्य द्रव्य के धर्मों का सर्वथा अभाव नहीं है, अन्य सभी द्रव्यों के गुणों का अभाव अवश्य है। मेहता जी ध्यान रख करके समझ करके बोली। द्रव्य में अन्य द्रव्य के गुणों का अभाव जरूरी है और होता ही है वो, मगर स्वगुण द्रव्य के अंदर उसके गुण का स्वभाव सद्भाव होता ही है और स्व द्रव्य के गुणों का दूसरे द्रव्यों में अभाव होता ही है। और आगे चलो ठीक है। अब आपको क्या समझना है क्रियाकारित्व। अब आप पहले ये देखेंगे क्रियाकारित्व होने से क्या, तो ये गुण इसके कौन से हैं, आत्मा के गुण आत्मा के धर्म, द्रव्य के गुण द्रव्य के धर्म, धर्म समान रूप में पर द्रव्य में भी रहेंगे स्वद्रव्य में, गुण स्वद्रव्य में ही रहेंगे पर द्रव्य में नहीं रहेंगे। अगली बात समझ में, दोनों ध्यान में लीजिए। अब जो गुण है आत्मा के हमने सब यहाँ रख, अब आप एक 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 ये लिया यहाँ पर कौन सा चारित्राचार का विभाग लिया। अब चारित्राचार के विभाग के हिसाब से आप इसको ये समता किसमें है, सत्य की निष्ठा किसमें है, सरलता किसमें है, संतोष किसमें है, दया किसमें है, करुणा है, ये देखिए गंभीरता है, धीरज है, क्षमा है, अब नम्रता है, ये सरलता है, ये संतोष है, इन सब गुणों को क्या आप आकाश में देखेंगे? क्या ऐसे गुण कोई आकाश में होते हैं? क्या ऐसे कोई गुण संता नम्रता सरलता धर्मास्ति काय में होते हैं? नहीं होते हैं। अधर्मास्ति काय में होते हैं? कभी नहीं होते हैं। संता नम्रता सरलता आदि क्या उद्गल में होंगे? कभी कभी नहीं होंगे। ऐसा आपको ये समझना यहाँ पर स्पष्ट ख्याल आ जाएगा, ये कभी नहीं होते हैं, ऐसे कोई वस्तु नहीं है था। तो ये आपको समझ में आ गया ये जिसमें है। अब वाक्य रचना कैसी है जरा ध्यान से सब सुन लेना और सबको जो है करीब करीब दो पेज के 50 वाक्य बनाने का। क्या है संतावान जो है वही आत्मा है। लैंग्वेज कैसी रखेंगे? लैंग्वेज इस प्रकार के सेंटेंस हो गए, सबको होमवर्क करना है, ओनली 50 सेंटेंस। संतावान जो है वही आत्मा है, जो नम्रता रख सकती है वही आत्मा है, जो सरलता रख सकती है वही आत्मा है, जो संतोष रख सकती है वही आत्मा है, जो दया कर सकती है वही आत्मा है, जो क्षमा कर सकती है वही आत्मा है, जो करुणा भाव ला सकती है वही आत्मा है। आप जोड़ सकते हैं जो गंभीरता रख सकती है वही आत्मा है, जो शांति का अनुभव कर सकती है वही आत्मा है। आप ऐसे खुद होकर भी पता सेंटेंस बनाइए किसके हैं। ये सभी 50 सेंटेंस एक चारित्र गुण के,
इधर ज्ञान गुण के क्या बताया हमने, जो याद रख सकती है वही आत्मा है, जो समझ सकती है वही आत्मा है, जो समझा सकती है वही आत्मा है। इधर दर्शन में लगिए, दर्शन में भी गुण लाइए, इधर जो देख सकती है वही आत्मा है, जो सुन सकती है वही आत्मा है, जो सूंघ सकती है वही आत्मा है, जो चाख सकती है वही आत्मा है, जो ठंडा गर्म स्पर्श अनुभव कर सकती है वही आत्मा है, जो गुरु लघु भार आदि का अनुभव कर सकती है वही आत्मा है। आगे बात समझ में। अब इधर क्या करेंगे, जो वेदन संवेदन कर सकती है वही आत्मा है, जो सुख का अनुभव कर सकती है वही आत्मा है, जो दुख का अनुभव कर सकती है वही आत्मा है। आ रहे ख्याल में आपको? अब 50 सेंटेंस बनाएंगे, अब उसके 50 सामने नेगेटिव बनाएंगे, थोड़े ध्यान से समझिए साहब। अब 50 आपको दूसरे नेगेटिव क्या बनाना है, जो सहन नहीं कर सकती है वह आत्मा हो ही नहीं सकती है, जो जान ही नहीं सकती है वो आत्मा हो ही नहीं सकती है, जो देख ही नहीं सकती है वो आत्मा हो ही नहीं सकती है, जो सुख दुख का अनुभव कर ही नहीं सकती है वो आत्मा हो ही नहीं सकती है, जो सूंघ भी नहीं सकती है, जो चाख भी नहीं सकती है, जो ठंडे गर्म का अनुभव ही नहीं कर सकती है, सब वो आत्मा ही नहीं है। आप ध्यान से समझिए एक बात को, वन साइड इज पॉजिटिव अप्रोच, अनदर साइड इज नेगेटिव अप्रोच, दूसरे का अभाव और स्वयं का सद्भाव। अरे ख्याल में, स्वयं का सद्भावात्मक स्वरूप क्या कैसा है वो सिद्ध करना है, और दूसरे का पर का अभावात्मक स्वरूप कैसा है वो सिद्ध करना है। आपको कोई बोलेंगे सर शांति रखिए, ये किसको बोला जा रहा है, किसको बोल रहे हैं? अब वहां पर अशांति करने वाले कौन है, उनको बोला जा रहा है भाई शांति रखो। तो आत्मा के सिवाय कोई आकाश धर्मस्तिका है, अधर्मस्तिका है, ये कोई आपकी अशांति खड़ी नहीं कर रहे हैं, इनको थोड़ी बोलने जाएंगे, अरे भाई आकाश ओ आकाश शांति रखो, आप कैसे बोलेंगे, आप बोल ही नहीं सकते उनको। तो ये जो है हमने किसके लिए देखा है पहले, अब इन सब के अंदर पहला नियम क्या है, जिसके जो गुण है वह द्रव्य क्रिया भी गुणानुरूपी क्रिया करेगा, गुण के अनुसार ही क्रिया करेगा। अब ये मैं निकालता हूँ, होमवर्क में बताया है, होमवर्क दिया है तो होमवर्क करेंगे, वो आप खुद करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। अब पहले यहाँ पर जो है ये हमने देखा क्रिया, अब क्रिया के आधार पर द्रव्य का विभाग करिए था, तो ये कौन सा हुआ, सक्रिय द्रव्य। और ये सामने दूसरा जो है निष्क्रिय द्रव्य, अब आपको इसमें से क्या ख्याल आएगा, द्रव्य ही अपने आप में कौन सा द्रव्य कैसा है। अब ये सक्रिय द्रव्य कौन से हैं, ये निष्क्रिय द्रव्य कौन से, अपने अपने गुणों के अनुरूप क्रिया करने वाला कौन है, पहले ये बताइए नील कुमार जी, द्रव्य क्रिया करता है कि गुण क्रिया करता है। साहिब जी द्रव्य क्रिया करता है गुण होने के कारण। बोलिए राहुल जी क्या बोलेंगे आप, क्रिया कौन करता है, द्रव्य क्रिया करता है, क्रिया करने वाला द्रव्य है या द्रव्य के गुण है, बोलिए मेहता जी। विजय भाई, क्रिया करने वाला गुण है, क्रिया गुण करता है। आपको 108 नमस्कार गिनने पड़े, बहुत बड़ा पनिशमेंट है। हाँ जी बोलिए साहब नरेंद्र जी क्या बोलेंगे। द्रव्य तो महाराज
आपकी क्रिया तो द्रव्य करेगा ना, आत्मा ही तो क्रिया करेगा ज्ञान दर्शन की, तो आत्मा ही तो है बड़ा द्रव्य है, ज्ञान दर्शन तो उनके गुण है तभी वो क्रिया कर रहा है। तो मेन सब्सटेंस इज द द्रव्य इटसेल्फ, सक्रियता गुण के कारण है, लेकिन सभी द्रव्यों के गुण होते हुए सभी क्रिया नहीं कर लेंगे। हाँ तो ठीक, हाँ ठीक है, वो गुण खुद क्रिया नहीं करता है, हाँ द्रव्य ही क्रिया करता है, उसको देखना है। अब ये हो गया सक्रिय द्रव्य, तो ये सक्रिय द्रव्य जो है आत्मा है। अब आत्मा अपने गुण के अनुसार क्रिया करेगा। इधर देखिए, अब आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का जो है मुख्य नाम चेतन क्यों रखा है? चेतन, चेतन शब्द किस कारण पड़ा है बोलो? कश्मीरा बेन राहुल भाई बोलिए। जिसमें चेतना हो वो चेतन, चेतना क्या है? सुख दुखानुभूति, सुख दुखानुभूति जो है वो चेतना है, और ऐसी चेतना वाला जो है वो चेतन आत्मा है। अब आया ख्याल में, तो जो अपने, अब कल आप इसको शक्ति नाम देंगे कि गुण नाम देंगे? चेतना शक्ति। अब शक्ति क्या हुआ? वो एक्टिव होने के लिए चेतना एक शक्ति हो गई। अब इस हिसाब से जब चेतन द्रव्य है तो उसको जो है द्रव्य को अपनी क्रिया करनी है। द्रव्य सक्रिय होता है, गुण के कारण द्रव्य सक्रिय होगा, लेकिन इधर निष्क्रिय द्रव्य है, ये भी देख लो। इधर कौन है? ये अपने आप में आकाश भी है, ये धर्मस्वीकार है, ये अधर्मस्वीकार है। अब ये अपने अपने गुणों वाले तो है, ये इसका भी अपना गुण है, इसका भी अपना गुण है, इसका गुण है अवगाहना प्रदाय, इसका गुण है गति सहायक, इसका गुण है स्थिति सहायक। तो ये अपने गुण के आधार पर क्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अपने गुण के आधार पर क्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको क्रिया करने में क्या तकलीफ है? गुण तो है इनके, तो आप ये नियम नहीं बना सकते हो। सभी द्रव्य गुण वाले होते हुए अपने गुण के आधार पर क्रिया कर लेंगे, ऐसा नियम नहीं बनता है। अरे ख्याल में, तो ये भी सब द्रव्य है, इनके भी गुण है, लेकिन ये द्रव्य अपने गुणों के आधार पर क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए निष्क्रिय है। अरे ख्याल में आपको, अब आकाश के अंदर उसका धर्म अवगाहना प्रदायक तत्व है, वो देने वाला नहीं है, वो अपनी क्रिया कर नहीं सकता है। धर्मास्त्री काय स्वयं गति करता नहीं है, धर्मास्त्री काय स्वयं गति कराता नहीं है। माता जी बोलिए, पहले तीनों के बोलिए। अनम्यूट करिए सुनीता जी वापस। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सभी द्रव्य गुण के आधार पर क्रिया नहीं करते हैं, आकाश खुद क्रिया नहीं करता है, वो अवगाहना देता है लेकिन खुद क्रिया नहीं करता है। धर्मास्ती काय खुद क्रिया नहीं करता है, गति में सहायक है, देता है, देता है ये भाषा नहीं बोलनी है। अवगाहना उसका गुण है, कोई भी जगह उसमें से ले लेता है द्रव्य, दूसरे चीज पदार्थ, और धर्मास्ती काय गति में सहायक द्रव्य है, वो खुद गति नहीं करता है, और अधर्मास्ती काय
स्थित जगह देता है, खुद जगह देता देता वर्ड नहीं बोलना धर्म नहीं देता है, जगह देने का काम अधर्म अस्थिकाय का नहीं है। एक बात एक के साथ जो फिक्स हो गई वो दूसरे के साथ नहीं जोड़नी है जी। जगह देने का मतलब आप बोल रहे हो तो किसका गुण है उसके कारण ठीक आकाश का एक ही गुण है, धर्मास्तिकाय का एक ही गुण है, अधर्मास्तिकाय का एक ही गुण है। वो आपको करा नहीं रहा है, वो करता नहीं है, वो सक्रिय नहीं है, वो क्रिया करता नहीं है। अब जीव को जा करके गति करनी है तो धर्मास्तिकाय तैयार बैठा है, सहायता है, भाई लो गति कर लो, सहायक द्रव्य है बस। एक एक शब्द का माप तोल जो गणित बनाया है वो किस हिसाब से बनाया है, वो इसी के सही स्वरूप से बनाया गया। तो हम वहां पर जाकर इसके शब्दों में थोड़ा सा भी इधर उधर ना कर लें। तो अब क्या हो गया, आकाश निष्क्रिय द्रव्य है, क्यों है, गुण होते हुए भी आकाश सक्रिय होकर क्रिया नहीं कर सकता है, लेकिन आत्मा अपने गुणों के अनुरूप क्रिया करता है इसलिए वो सक्रिय है। आत्मा अपने ज्ञान गुण से जानता है, सुनता है, समझता है, याद रखता है, समझाता है, सुखता है, चखता है, गुरु है या लघु है, हल्का है या भारी है, ठंडा है या गर्म है, ये खुद अनुभव कर रहा है। अनुभव भी क्या चीज है, अनुभव भी ज्ञानात्मक है। अब ये आत्मा द्रव्य है, ये सक्रिय है, ये अपने अपने गुण के अनुरूप अपनी क्रिया करता है, दूसरों के गुण के अनुरूप ये क्रिया नहीं करेगा, लेकिन दूसरों का गुण उपलब्ध है तो अपनी क्रिया जाके उसमें कर लेगा। ये शब्द बात बैठी वर्गो पर, अपने गुण के बात ध्यान में रखना। आकाश का गुण है उसमें, ना तो आकाश देता है, ना लेता है, ना करता है, ना कराता है, ना कुछ नहीं है। जीव आ जाए, भाई तेरे को जितनी जगह चाहिए ले, तेरे को बहुत जगह दे, इसका काम ये कर लेगा बस। इधर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय वो अपना गुण लेकर के बैठा है। अब मैं आपको पूछता हूँ, पानी में मछली चलती है या मछली पानी को चलाती है, छाया बिन बोलो। पानी में मछली चाले छे ने धर्मास्तिकाय ने मदद करे छे गति में। मैं पूछूं से तो जवाब दो। ओके, मछली पोते थई ने पानी में चाले छे के पानी मछली ने चलावे छे? सर जी, पानी मछली ने चलावे छे। नहीं सर, पानी धक्को मारे छे ने मछली चाले छे एवं छे? मछली पानी में चाले छे। अरे बीजा ना केम नहीं बोलता, तो ना बोलो में शू तकलीफ छे? ना सर, अरे तो की ना बोलो, पानी मछली ने धक्को मारी ने चलावतो नथी। पानी मछली ने धक्को मारी ने चलावतो नथी, बस मतलब क्या हुआ कि पानी का कर्ता भाव नहीं है, मछली में कर्ता भाव है। पानी उल्टा भी आएगा तो भी मछली चलेगी सर, लेकिन पानी के बिना मछली नहीं चलेगी, ये बात उतनी निश्चित है। मछली में चाहे कितनी भी शक्ति हो लेकिन वो पानी के बिना नहीं चलेगी। क्या लाया तो बिना धर्मास्ति, इधर देखिए पानी की जगह ले लो धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय की सहायता से जीव चलेगा, जीव गति कर लेगा, लेकिन धर्मास्तिकाय उसको धक्का नहीं लगा रहा है, धर्मास्तिकाय उसको धक्का नहीं लगा रहा है। धर्मास्तिकाय ने साफ कह दिया, मैं निष्क्रिय हूं भाई, मेरा क्षेत्र इतना बड़ा है, असंख्य विदेश का है, जहां जहां तेरे को जाना है, गति करनी है, गति तेरी है, गति करने की शक्ति तेरी है, और मेरा गुण है, चला जा जहां जाना है जा। बस बात इतनी सी है। तो इनके गुणों का अभाव, इन द्रव्यों का अभाव,
इन द्रव्यों के गुणों का अभाव और इन द्रव्यों के गुणों की क्रिया का अभाव, तीनों बात बरोबर लिखना। आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो ये विषय आपको फिर बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होना। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से दिया। आज का विषय क्या था? द्रव्य द्रव्य की सिद्धि गुण से, द्रव्य द्रव्य की सिद्धि गुणों की क्रिया से, स्वद्रव्य के स्वगुण की क्रिया से स्वद्रव्य की सिद्धि, पर द्रव्य के गुणों से जीव की सिद्धि नहीं कर रहे हैं, पर द्रव्य के गुणों के अभाव से जीव द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं। आप बरोबर एक एक पॉइंट समझिए। तो स्वद्रव्य आत्मा है, उसके गुण कितने हैं? तो आत्मा के ही गुण ज्यादा है, आकाश का एक ही गुण है, भले इतना बड़ा आकाश है लेकिन उसका एक ही गुण है। धर्मा ने कहेंगे धर्मास्ती काय का एक ही गुण है, धर्मास्ती काय का एक ही गुण है, और पुद्गल के वर्ण का रस स्पर्श है। अब इन सबसे अलग भिन्न जो पड़ रहा है वो है चेतन आत्मा। अब इसको जो है आप इसी के सद्भाव स्वरूप में सिद्ध करेंगे और पर का अभावात्मक सिद्ध करेंगे, ये बात होनी चाहिए। क्या करो नील भाई, घड़ी आगे बढ़ गई सर, घड़ी बहुत फास्ट चलती है, रुकती नहीं है घड़ी, मेरे को इतना घुटाने में टाइम जाता है। आप पहले से ही प्रयत्न कर लेना, एक साल के बदले दो साल का कोर्स चलेगा, फिर आप बंद कर देंगे। नहीं 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 सही जी। अब ये आत्मा को सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे कैसे? सिद्ध करेंगे नहीं सिद्ध करेंगे और हम नहीं मानेंगे तो मिथ्यात्वी रह जाएंगे। देखिए आत्मा को न मानना मिथ्यात्वी है, आत्मा को गलत मानना मिथ्यात्वी है। ख्याल आया आपको? दोनों बात समझिए। आप विरुद्ध स्वरूप में गलत मान लोगे तो भी मिथ्यात्व है, तो भी हमारा मोक्ष नहीं होगा। लेकिन आत्मा को जो है जैसा है जिस स्वरूप में है ठीक वैसा ही मानना पड़ेगा, जैसा नहीं है वैसा आपको नहीं मानना है। ये आत्मा सिद्धि के बारे में मुख्य लक्ष्य है उसका। तो कल ये ना हो जाए कि नहीं हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, ऐसा भी बोल देंगे, वैसा भी बोल देंगे। इफ यू आर इन द ज्यूरिडिक्शन सिस्टम योर ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट देयर, आइदर योर वर्ड्स आर पॉजिटिव आइदर योर वर्ड्स आर नेगेटिव, बोथ टाइप ऑफ वर्ड्स आर देयर, ईच एंड एवरी वर्ड हैव देयर ओन मीनिंग यू से। तो इन ज्यूरिडिक्शन सिस्टम न्यायालय के अंदर आपके एक एक शब्द की कीमत हो रही है। आपने ऐसा शब्द बोला, आपने ऐसा शब्द बोला, आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा ही बोला। अब ये बात है, यहाँ पर आत्मा के विषय में भी हमको इसी तरह से सिद्ध करनी पड़ेगी। आपको होमवर्क दिया है और सभी मेहनत करके होमवर्क करेंगे तो ज्यादा डिटेल में होगा, ऐसी आशा रखता हूँ। अभी क्या है कि दूसरी क्लास है, इसलिए आज डिस्कशन का टाइम नहीं बच रहा है। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो हरियान, नमो बच्छाया, नमो बोले सर्व साधनम, एसु पंच नमो सर्व पाव पराशम, मंगलानं तसव्वे सिं पर्वं अवै मंगलम, मंगलम भगवान वेरु मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राध्यामंगलम, चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सावि मंगलम, केवली पन्नतोतम मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, सावि लोकोत्तम, केवली पन्नतोतम लोकोत्तम, चत्तारि सर्वं भवज्यामि, हरिहंते सर्वं भवज्यामि, सिद्धे सर्वं भवज्यामि, साधु सर्वं भवज्यामि, केवली पन्नतं धम्मं सर्वं भवज्यामि, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां। Yeah, yeah, yeah.